नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का टॉपिक है ओटीपी फ्रॉड। इस वीडियो में हम जानेंगे ओटीपी से कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं और इनसे बचने के क्या क्या तरीके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ओटीपी एक वन टाइम पासवर्ड होता है जो कि सिर्फ एक बार ही यूज करा जाता है। यह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आता है। इसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बैंक से संबंधित कामों और अन्य जगह पर भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं, ओटीपी के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो सकती। और ओटीपी इसलिए भेजा जाता है कि पता चल सके कि ओरिजिनल यूजर ही है कि नहीं। ओटीपी 6 से 7 करेक्टर का हो सकता है और कभी कभी ये 4 करेक्टर का भी होता है। एक ओटीपी से आपका कोई भी बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ओटीपी से आपका कोई भी बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि एक ओटीपी से कोई बैंक अकाउंट कैसे खाली कर सकता है, तो आइए समझते हैं ये सब कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आता है और आपसे कोई आपका ओटीपी मांगता है, और अगर आपने उसको अपना ओटीपी दे दिया तो वे आपके अकाउंट में लॉगिन करके जितने चाहे पैसे निकलवा सकता है, और आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये कॉल किसी बैंक से आया था या फ्रॉड कॉल है। लेकिन याद रखें, कोई भी बैंक आपसे आपका ओटीपी, सीवीवी नंबर या पिन नंबर नहीं मांगेगा, और अगर आपसे ये सब जानकारी मांगी जा रही है तो सतर्क हो जाए और कभी भी अपना ओटीपी और अन्य जानकारी किसी को ना दें। सन 2020 तेलंगाना में सबसे ज्यादा ओटीपी फ्रॉड के केस हुए थे और भारत में इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता की एक महिला भी इसका शिकार बन चुकी है। साइबर क्रिमिनल के एक गैंग ने बैंक मैनेजर बनके उस महिला को कॉल किया और एनी डेस्क नाम का एक ऐप डाउनलोड करवा के उसकी बैंक डिटेल्स जैसे कि कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर और ओटीपी चुरा के उसके बैंक अकाउंट से 27,000 की राशि निकाल ली थी। आइए अब आपको मैं एक ऐसे ही साइबर क्राइम विक्टिम रिया के साथ हुए हादसे के साथ रूबरू कराती हूँ। हेलो, कौन? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं बीबीआई बैंक से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम, हमारे बैंक में एक सर्वर का अपडेट हुआ था, उसकी वजह से आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है। क्या? मेरा डेबिट कार्ड ब्लॉक? जी हाँ मैम। अब डेबिट कार्ड को रीएक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं मैम, हमें कुछ आपकी डिटेल्स चाहिए होंगी। हाँ जी बताइए, क्या क्या डिटेल्स चाहिए आपको? मैम, आप अपना डेबिट कार्ड नंबर बता दीजिए। रुकिए एक सेकेंड, रुकिए एक मिनट। हाँ जी बताइए। हाँ एक मिनट बताती हूँ। 1416। डबल नाइन। डबल टू। 10। डबल नाइन। कार्ड का एक्सपायरी डेट नंबर भी बता दीजिए। एक्सपायरी डेट? ठीक है, 0525। मैम, आपके कार्ड के पीछे एक 3 डिजिट का नंबर होगा, वो भी बता दीजिए। कार्ड के पीछे 3 डिजिट नंबर? हाँ हाँ, मिल गया। 4 1 2। ओके मैम। मैम, आपके फोन पे एक कंफर्मेशन मैसेज आया होगा, उसमें ओटीपी नंबर होगा, वो आप मुझे बताइए। वो ओटीपी मुझे यहाँ एंटर करना होगा। एंटर करते ही आपका कार्ड रीएक्टिवेट हो जाएगा। मेरा कार्ड फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा ना?
जी हाँ मैम, ये OTP कार्ड रीएक्टिवेशन के लिए ही है। ठीक है, मैं आपको OTP बताती हूँ। हाँ जी मैम, प्लीज बताइए। 5428 36। ओके, थैंक यू मैम। अब आपके पास कार्ड रीएक्टिवेशन का मैसेज आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे कैसे बचें। पहला, अपना OTP, CVV नंबर, कार्ड डिटेल्स, एक्सपायरी डेट, बैंक से जुड़ी जानकारी और अन्य जानकारी किसी को ना बताएं। कभी भी आपके पास कोई OTP के लिए कॉल आता है तो कृपया करके उस कॉल को ना उठाएं। कभी कभी ये फ्रॉड मालवेयर के थ्रू भी करा जाता है, जैसे किसी ने आपकी ईमेल या SMS पर कोई लिंक भेज दिया और आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया तो वो मालवेयर आपके फोन में खुद ही डाउनलोड हो जाएगा और आपके फोन की जानकारी सारी फ्रॉडस्टर के पास चली जाएगी। तो याद रखिए, आपको किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करना। भले ही आप आपके फोन में इंस्टॉल्ड ट्रूकॉलर ऐप पर उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं और वहां पर लिखा आता है आपके बैंक का नाम, तब भी आपको अपना OTP उसे नहीं बताना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी बैंक आपसे आपका OTP नहीं मांगता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्रॉडस्टर आपको कॉल करके बोलता है कि आपको आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रिन्यू करवाना पड़ेगा और फिर वह आपसे आपकी सारी जानकारी मांगेगा, और सारी जानकारी मांगने के बाद फिर आपको वो एक लिंक पर क्लिक करने के लिए बोलेगा। अगर आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी जानकारी उसके फोन में चली जाएगी। तो आपको ऐसे किसी भी कॉल पर भरोसा नहीं करना है। तो अब आपको पता चला होगा कि किस किस तरह के OTP फ्रॉड हो सकते हैं और इनसे कितना नुकसान हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।